हेलो नमस्कार दोस्तों, जीकेएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे थे दोस्तों हम अपने राजस्थान में राजस्थान की जलवायु को लेकर, और राजस्थान की जलवायु में दोस्तों हमारी बात हो रही थी मुख्य रूप से। आज जो आपके पास में विशेष रूप से जलवायु का मेरे दोस्तों जो पॉइंट है, अधिकतर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये समझो आप 99% तुम्हारी एग्जाम में एक क्वेश्चन तुमको जरूर इस पॉइंट का मिलेगा। आज बात होगी दोस्तों राजस्थान में कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण को लेकर। बिल्कुल दोस्तों आपने सही सुना है, कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण को लेकर बात करेंगे, जिसका आपको निश्चित ही प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल सुनने को देखने को मिलता है दोस्तों। उसी कोपेन की जलवायु जो केवल और केवल आपके आधे घंटे की क्लास में एक क्वेश्चन क्लियर करके जाने वाली है। तो सभी दोस्तों को ये क्लास अपने जितने भी साथीगण जान पहचान वाले उन सबके पास में शेयर करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का सभी को फायदा मिल सके। और दोस्तों विशेष रूप से पूरी क्लास को डटकर देखना है, ताकि कोपेन का आने वाला आपकी भविष्य की एग्जामों का क्वेश्चन है वो कभी भी गलत ना हो। तो बिल्कुल दोस्तों अब देखो दोस्तों करते हैं शुरुआत राजस्थान में कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण को लेकर। कोपेन नाम का जो जलवायु वैज्ञानिक था दोस्तों उसको लेकर बात करने वाले बिल्कुल साहब बिल्कुल सभी दोस्तों को। देखो दोस्तों हमारे पास में विशेष रूप से जो बात होने वाली है वो होने वाली है कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण को लेकर। बिल्कुल जी आपके पास में मैंने आपने बिल्कुल सही सुना है कि सर आज थंबनेल में हमने पढ़ा है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण आएगी। बिल्कुल कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को लेकर बात हो रही है दोस्तों। अब कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण किया था उसको लेकर हम बात करने वाले। देखो दोस्तों यदि बात करें कोपेन नाम के जलवायु वैज्ञानिक को लेकर, तो दोस्तों कोपेन नाम का जो जलवायु वैज्ञानिक था वो अपने देश यानी अपने भारत का निवासी नहीं था, क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है कि इस प्रकार का नाम अपने देश में नहीं रखा जाता है। ये नाम साफ स्पष्ट है मेरे लाडलू की एक विदेश के नागरिक का नाम है जो अपने देश का निवासी नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों इस कोपेन को लेकर दो बात मैं आपको बताऊं, ध्यान देना। एक तो आपको पूछ ले कि कोपेन जी कहां का निवासी था, निवासी कहां का था कोपेन जी। तो एक नंबर पर तो दोस्तों आपको इसके निवासी को लेकर, मतलब किस स्थान पर कहां का निवासी था, तो याद रखना है दोस्तों कोपेन नाम का जलवायु वैज्ञानिक जर्मनी का निवासी था। और यदि आपको पूछ ले कि इसका पूरा नाम क्या था, कोपेन का पूरा नाम क्या था, तो याद रखना दोस्तों इसका नाम था व्लादिमीर कोपेन। क्या याद रखना है दोस्तों, व्लादिमीर कोपेन आपको इसका नाम याद रखना है। ये दोस्तों इसका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। अब दोस्तों यदि नेक्स्ट बात करें कोपेन की जलवायु को लेकर, तो कोपेन यहां का निवासी तो था नहीं और इसका पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन था। अब यदि बात करें 1876 ईस्वी में एक केंडेल नाम के व्यक्ति ने जलवायु का वर्गीकरण किया था, और केंडेल की जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। इसका मतलब दोस्तों जो केंडेल नाम की केंडेल नाम की वर्गीकरण था उसी को आधार अपने कोपेन ने माना। तो आधार में वनस्पति और केंडेल या केंडेल की जलवायु वर्गीकरण मुख्य रूप से इसमें माना गया है। तो मुख्य बात करें दोस्तों इसकी जलवायु वर्गीकरण की रूपरेखा को लेकर तैयार करें, तो ध्यान देना मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों, ये जो कोपेन नाम का जलवायु वैज्ञानिक था ना, ध्यान देना 1876 ईस्वी में केंडेल की जलवायु वर्गीकरण पर आधारित है, मेरे दोस्तों ध्यान देना, केंडेल की जलवायु वर्गीकरण पर आधारित है। और यदि दोस्तों इसमें नेक्स्ट बात करें ना कोपेन को लेकर, और भी यदि आपको बात पूछ ली जाए दोस्तों, तो ध्यान देना कोपेन की जलवायु का आपको दोस्तों पूछ लेना कि आधार क्या था, आधार किसको माना गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोपेन की जलवायु का आधार वनस्पति को माना गया। किसको बताओगे दोस्तों,
वनस्पति को बताना है। और यदि आपको ये पूछ लेना दोस्तों कि ये जो कोपेन नाम का जलवायु वैज्ञानिक था, इसका आधार जो वनस्पति हमने माना है, ये कोपेन नाम के जलवायु की बात करें तो ध्यान देना, सर्वप्रथम वर्गीकरण कब किया, सबसे पहले वर्गीकरण, ये लो जी सर्वप्रथम वर्गीकरण को लेकर बात पूछे ना दोस्तों। तो कोपेन की जलवायु का सबसे पहले वर्गीकरण किया था 1900 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1900 ईस्वी में, सन 1900 में कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। और ध्यान देना दोस्तों, इसी जलवायु वर्गीकरण में इसने प्रथम संशोधन कब किया था, यानी आपको पूछ ले कि प्रथम संशोधन कब किया था इस जलवायु के वर्गीकरण में, तो दोस्तों कोपेन नाम के जलवायु वैज्ञानिक ने प्रथम संशोधन किया था 1931 से 1936 ईस्वी तक। अब यदि दोस्तों आपको यह पूछ लेना कि कोपेन नाम के जलवायु वैज्ञानिक ने अंतिम संशोधन कब किया था, तो इसका जो अंतिम संशोधन किया गया दोस्तों, वो कोपेन जी के द्वारा नहीं किया गया था। क्या बता रहा हूं, यहां ध्यान देना दोस्तों, अंतिम संशोधन को लेकर बात की जा रही है, अंतिम संशोधन। और ये जो अंतिम संशोधन है ना दोस्तों, ये किया गया था 1953 ईस्वी में। और अंतिम संशोधन मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, कोपेन ने नहीं किया, ये संशोधन आपको याद रखना है, कोपेन के शिष्य ने किया। किसने? कोपेन के शिष्य, ध्यान देना, शिष्य गिगरपाल ने किया था। किसने किया था? गिगरपाल नाम का दोस्त इसका एक शिष्य हुआ करता था, गिगरपाल ने किया, इसलिए इस गिगरपाल ने किया। आप देखो, गिगरपाल ने यह काम किया अंतिम संशोधन करने का, इसका मतलब गिगरपाल भी चाहता है कि मेरा भी नाम जलवायु के साथ में की लिया जाए, क्योंकि मैंने भी तो योगदान दिया है जलवायु संशोधन में, इसका मतलब मेरा भी तो हक बनता है कुछ नाम रखने का। तो दोस्तों इसके बाद में इस जलवायु को कोपेन गिगरपाल की जलवायु कहने लग गए। अब आपके पास अच्छा प्रश्न आ गया दोस्तों, और क्वेश्चन ये आ गया कि कोपेन की जलवायु का नाम क्या बन गया। ध्यान देना, जलवायु का नाम क्या बन गया दोस्तों, तो याद रखना, जलवायु का यदि हमें नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कोपेन गिगरपाल की जलवायु। क्या याद रखोगे? कोपेन गिगरपाल की जलवायु याद रखना है, क्योंकि कोपेन नाम का जो व्यक्ति था, उसका गिगरपाल नामक व्यक्ति शिष्य था, कोपेन गिगरपाल की जलवायु इसका दूसरा नाम बन गया दोस्तों। अब यह नाम भी तुम्हारे पास में कोपेन की जलवायु को ही संकेत करता है, क्योंकि गिगरपाल नाम का व्यक्ति ही कोपेन का क्या था दोस्तों? शिष्य था। और उसी के आधार पर उसने जैसे ही अपना योगदान दिया, तो हम लोगों ने क्या किया, उस जलवायु में इसी का नाम भी ऐड कर दिया, क्योंकि इसने भी तो सहयोग दिया, और सहयोग देने वाला चाहता है कि मेरा भी तो कोई ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान तो हो, इसीलिए दोस्तों इसने भी अपना नाम इसमें जोड़ दिया था। आप देखो दोस्तों, ये नाम तो बना इसका, और क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं दोस्तों आनुभाविक जलवायु। ये क्यों कह दिया, ये देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आनुभाविक जलवायु। अरे भाई, बात यह है कि ये कोपेन जी अपने यहां का तो निवासी था नहीं, ये तो जर्मनी का निवासी था। और यदि जर्मनी का व्यक्ति राजस्थान या भारत की जलवायु का वर्गीकरण कर रहा है, इसका मतलब अपना अनुभव लगा रहा है दोस्तों। क्या लगा रहा है? अनुभव लगा रहा है। और अनुभव लगाने की वजह से क्या कहा मेरे लाडलो, इसको आनुभाविक जलवायु के नाम से जाना है। तो कोपेन की जलवायु को ही हम क्या कहते हैं, आनुभाविक जलवायु का नाम देते हैं। आप देखो दोस्तों, यहां से एक प्रश्न तुम्हारे पास में बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आने वाला, क्या क्वेश्चन दोस्तों तुम्हारे पास एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट लेकर मैं आपके पास बात कर लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो कोपेन था ना, इसमें आपको ये पूछ लेना कि कोपेन की जलवायु का संकेत क्या था, जलवायु संकेत किसको दिया था, किसका संकेत पूछ रहा है दोस्तों, जलवायु का संकेत पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि जलवायु का इसने जो संकेत था ना, वो दिया था अंग्रेजी वर्णमाला। कौन सी वर्णमाला याद रखोगे?
अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे बड़े वर्ण, कौन से वर्ण दोस्तों, वर्णमाला के छोटे बड़े वर्ण, ये इसने संकेत दिया था। छोटे बड़े वर्णों का क्या दिया इसने संकेत माना था भाई, छोटे वर्ण भी माने और बड़े वर्ण भी माने। अब ध्यान देना, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपके लिए, और ये कह रहा है दोस्तों कि वर्णमाला के छोटे बड़े वर्ण, इसका मतलब एक तरफ तो दोस्तों कौन से वर्ण आने वाले हैं, बड़े वर्ण, और दूसरी तरफ मेरे दोस्तों कौन से वर्ण आने वाले हैं। तो आप कहोगे कि सर छोटे वर्ण आएंगे, बिल्कुल दोस्तों आपने सही सोचा, छोटे वर्ण ही आने वाले हैं। आप देखो दोस्तों यहां एक बात का तुमको विशेष रूप से ध्यान देना है, यानी बड़े वर्णों की यदि आपको दोस्तों पूछ लेना कि संख्या क्या थी, जो मुख्य वर्ण थे उनकी संख्या दोस्तों 5 थी, और छोटे वर्णों की यदि आपको पूछ लेना कि संख्या क्या थी, तो दोस्तों छोटे वर्णों की संख्या 4 थी, मतलब कुल मिलाकर 9 वर्ण मिल गए दोस्तों आपको। कोपेन की जलवायु के कितने वर्ण मिले, आप कहोगे सर 9 वर्ण मिल गए, बिल्कुल मेरे दोस्तों आपने सही सोचा, 9 ही वर्ण बताने वाला था। अब 9 वर्ण मिल गए, लेकिन है कौन से, बात यह है कि है कौन से, तो देखो एक नंबर मतलब ए, दो नंबर तो दो नंबर का मतलब है दोस्तों बी, दो नंबर क्या बताओगे बी, और तीन नंबर का मतलब है दोस्तों सी, चार का मतलब है डी, और पांच का मतलब है ई। ये तो मेरे दोस्तों बड़े वर्ण, कौन से वर्ण, बड़े वर्ण, क्या मतलब होता है इनका, एक का मतलब होता है दोस्तों आर्द्र जलवायु, कौन सी जलवायु बताई, आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में ए वर्ण आएगा, याद रखना है। और बी का मतलब बताया दोस्तों मरुस्थलीय जलवायु। आप कहोगे सर मरुस्थल में तो दो प्रकार की जलवायु होती है, अरे मेरे दोस्त दो प्रकार की जलवायु में बताने वाला हूं, बस रुको तो सही एक बार, देखो मरुस्थलीय जलवायु बताई ना, और इस मरुस्थलीय जलवायु में दोस्तों ध्यान देना, इसको दो भागों में बांट दिया इसने, क्या किया इसने, कहा कि भाई एक तो होता है बी डब्ल्यू और दूसरा होता है बी एस, आई बात समझ में। अब क्या बताया इसने, बताया बी डब्ल्यू का मतलब होता है दोस्तों शुष्क जलवायु, कौन सी जलवायु, यह लो जी शुष्क जलवायु, जहां मरुस्थल में शुष्क जलवायु है वहां बी डब्ल्यू लेना है, और जहां मरुस्थल में अर्ध शुष्क जलवायु है ना दोस्तों वहां क्या लेना है, वहां बी एस लेना है। ये लो मेरे दोस्तों अर्ध शुष्क जलवायु हो गई। आप देखो एक बात और बताऊं, तुम कहोगे सर सिक्का तो बताया नहीं, सिक्का क्या मतलब हुआ, सिक्का मतलब हुआ दोस्तों उप आदर जलवायु, ये लो सा उप आदर जलवायु बता दी। आप देखो दोस्तों एक बात का तुम ध्यान देना विशेष रूप से, मैं तुमको एक बात और बताने वाला हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तीन वर्ण थे ना ए बी सी, राजस्थान में केवल तीन ही काम आएंगे बड़े वर्ण, और नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डी है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो शीतोष्ण जलवायु राजस्थान में तो नहीं है ना, इसका मतलब नहीं काम आएगा। एक का मतलब होता है दोस्तों ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु भी राजस्थान में नहीं है, इसका मतलब दोस्तों ये भी काम नहीं आएगा, नहीं काम आएगा तो क्या करे, इन दोनों को तुम अपने राजस्थान से बाहर निकाल दो और ये तीनों राजस्थान में ले लो, मतलब मेरे दोस्तों कोपेन के अनुसार राजस्थान में कितने बड़े वर्ण आए, तो एक तो ए आया, दो नंबर आया और तीन नंबर आया, चार और पांच राजस्थान में है क्या, शीतोष्ण और ध्रुवीय जलवायु। आप कहोगे सर नहीं है, नहीं है तो रहने दो, मतलब दोनों भारत में काम जरूर आएगी लेकिन राजस्थान में काम नहीं आएगी। देखो शुष्क जलवायु में बी के साथ में डब्ल्यू लगा देना और अर्ध शुष्क में बी के साथ में एच लगा देना। अब बात आ गई दोस्तों यहां पर किसको लेकर, छोटे वर्णों को लेकर। देखो तुम कहोगे सर छोटे वर्ण कौन से थे, तो मैं बताऊं चार वर्ण थे, 1 2 3 4, अब कौन से है,
एक में तो था एच, दूसरे में था जी, तीसरे में था एस, चौथे में था डब्लू। ये लो जी चार छोटे वर्ण भी बन गए। अब इतना पता चल गया कि कोपेन व्लादिमीर, कोपेन नाम का पूरा नाम था उसका, जर्मनी का निवासी था, अनुभवी कहा था, गिगरपाल शिष्य था, इसलिए गिगरपाल की जलवायु कहा था, वनस्पति को आधार माना था, 1900 में वर्गीकरण किया था, 1953 में क्या हुआ अंतिम संशोधन आया था, पांच बड़े वर्ण थे ए बी सी डी ई, और दो बड़े वर्ण राजस्थान में नहीं, तीन राजस्थान में ए बी सी डी थे, और चार छोटे वर्ण एच जी एस डब्ल्यू एस। क्लियर है मेरे लाडलो? अब आ जाओ प्यारा सा बढ़िया सा जोरदार सा राजस्थान। देखो मेरे लाडलो अब तुम्हारे पास में मेन बात किसकी है? मेन बात तो यही है ना मेरे दोस्त, इसी का तो तुम इंतजार कर रहे थे कि सर मैप के बिना समझ में नहीं आएगा। और मेरे दोस्तों तुमको इतना भी विश्वास होगा कि मैप के बिना हम समझाएगी भी नहीं तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा ना, जब तक हमारा कर्तव्य भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों तुमको समझाना मेरा परम धर्म है, तुमको समझाना ही मेरा कर्तव्य है, और इसी की पूर्ति मुझे करनी है। ये क्या बनाया? एक प्यारा सा अच्छा सा राजस्थान बनाया मेरे लाडलो। राजस्थान में क्या आया? राजस्थान में देखो एक भाग तो ये आया मेरे दोस्तों, दूसरा भाग इसके पास में आया, और तीसरा भाग मेरे दोस्तों ये आया रावली वाला, ये तीसरा भाग रहा। अब ध्यान देना तीसरे भाग में इधर इधर ऐसे घुमा रहा हूं मैं, बार बार घुमा रहा हूं। क्यों घुमा रहा हूं? क्योंकि घूमना पड़ता है भाई, राजस्थान बड़ा है ना, और तुम इसमें जितना घूमोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे, इसलिए घूमना जरूरी है। अब आ जाओ देखो क्या क्या बताया। अभी मैं तुमको बता रहा हूं कि इसने बताया क्या, यहां की जलवायु थी ना उसको नाम दिया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, यहां का नाम दिया बी एस एच डब्ल्यू, यहां का नाम दिया सी डब्ल्यू जी, और यहां का नाम दिया ए डब्ल्यू। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना, विशेष रूप से, बस केवल पांच मिनट की बात है, यहां ध्यान देना। यहां कोपेन जी ने यह बात बताई कि इस जलवायु का यदि नाम देखे ना तो इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय। कौन सा कटिबंध है दोस्तों? यह है उष्ण कटिबंधीय। कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय। अभी तो बताया जहां बी डब्ल्यू आए वहां शुष्क जलवायु बतानी है। कौन सी जलवायु है ये दोस्तों? शुष्क जलवायु है, और जहां पर एस आए वहां अर्ध शुष्क। तो ये क्या बन गई? ये बन गई दोस्तों उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु बन गई दोस्तों आपके पास में। ये लोसा अर्ध शुष्क जलवायु आई है, ये अर्ध शुष्क जलवायु बन गई है। और क्या है? और क्या है? और ये है मेरे दोस्तों, इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा है कि जहां पर सी आ जाए, जहां पर सी आ जाए उसको उपादर जलवायु रख देना है। कौन सी जलवायु? ये उपादर जलवायु बन गई दोस्तों। और यदि इसके अलावा पूछ ले कि और क्या है तो इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय आदर जलवायु। आप कहोगे कि सर ये सा बिल्कुल मेरे दोस्तों ये सही है, आदर जलवायु आपको याद रखना है। ये लो जी आदर जलवायु बन गई। अब तो ये तो बात हो गई कि जलवायु कौन सी रही है राजस्थान के चार भागों में। अब इसके अलावा नेक्स्ट बात क्या होने वाली है उस बात को लेकर हम और भी बात कर लेते। देखो यहां पर बताई इसने, इस जगह बता रखा है दोस्तों मरुद बीद। कौन सी बीद है? मरुद बीद। या दोस्तों इसके अलावा तुम कह सकते हो जीरोफाइट वनस्पति। ये लो मेरे दोस्तों वनस्पति का नाम भी बता दिया, मरुद विधि या जीरोफाइट नाम बताया। इधर क्या बताया? इधर बताया दोस्तों स्टेपी तुल्य वनस्पति। कौन सी? स्टेपी तुल्य वनस्पति याद हो जाएगी। ये लो जी स्टेपी तुल्य वनस्पति आ गई है हमारे पास में। और यहां क्या बताया? यहां बताया दोस्तों मिसोफाइट। कौन सा? यहां पर नाम बताया मिसोफाइट। ध्यान देना ये मिसोफाइट वनस्पति बता दी यहां पर, मिसोफाइट वनस्पति यहां पर इसने बता दी है। और दोस्तों क्या बताया? यहां बताया सवाना तुल्य वनस्पति। कौन सी?
सवाना तुल्य वनस्पति याद रखना, सवाना तुल्य वनस्पति यहां की वनस्पति बता दी, यह लो जी कोपेन के अनुसार वनस्पति भी क्लियर हो गई हमारे। और क्या बताया दोस्तों इसने, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। देखो यहां ना, यहां बताई कि जीरो से लेकर 20-25 सेंटीमीटर बारिश होती है, 20 या 25 ध्यान दे लेना। ये लो जी यहां बताई दोस्तों 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, ध्यान देना। और यहां क्या बताया, यहां बताया 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर बारिश होती है, ध्यान देना। बरसात के मामले में दोस्तों कभी भी विवादित पॉइंट नहीं रहेगा, राजस्थान में बारिश की विशेषता मैंने तुमको बता रखी है, अनिश्चित वर्षा, अपर्याप्त वर्षा और खंड वर्षा, मतलब निश्चित ही नहीं है, पर्याप्त ही नहीं है, जगह जगह छोड़कर बारिश होती है, इसका मतलब ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। यहां है दोस्तों 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा, तो ये लो जी कोपेन के अनुसार बारिश भी क्लियर हो गई। और क्या बताया कोपेन जी ने, और देखो दोस्तों इसमें और कोपेन जी ने हमें क्या क्या बताया है। कोपेन जी ने कहा है कि यहां एक तो जैसलमेर जिला, इधर इधर देखो जिले है ना, जिले जिले है ना दोस्तों, मैं इस दूसरे मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको जिलों के बारे में कोई कंफ्यूज ना हो, जिले आपको बहुत अच्छे याद हो जाए, और यही तो तुम्हारी एग्जाम में अच्छा ही पूछ जाती है। देखो ये लो कौन सा जिला, जैसलमेर, थोड़ा सा बीकानेर लिख दिया, और बीकानेर के बाद में अब वर्तमान का अनूपगढ़ भी आएगा, और यहाँ श्री गंगानगर भी आएगा। तुम कहोगे सर इसमें क्या आएगा, इसमें बाड़मेर जिला आएगा, इसमें जोधपुर जिला आएगा, और इसमें यदि बात करें बाड़मेर जोधपुर के अलावा नागौर भी आएगा, इसमें पाली भी आएगा, इसमें जालौर भी आएगा, इसमें सांचौर भी आएगा, और क्या आएगा इसमें दोस्तों ध्यान देना, एक तो हनुमानगढ़ आएगा, एक आएगा आपके पास में चूरू जिला, एक आएगा झुंझुनू जिला, एक आएगा दोस्तों सीकर जिला, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये जिले इसमें आएंगे। फिर एक स्थान ना विवादित पॉइंट है, वो मैं आपको यहां बता देता हूं, यहां बता देता हूं, ये है ना, ये दोस्तों विवादित पॉइंट है, ये विवादित पॉइंट है। इस विवादित पॉइंट को ना मैं थोड़ा सा अलग संकेत करके बताऊं, ये देखो फलोदी जिला, तो फलोदी कहां ले जाना, इसमें ले जाना है। फलोदी है ना शुष्क स्थान है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, इसका मतलब शुष्क जलवायु में जाएगा। अब यहां क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें ध्यान देना सीकर झुंझुनू के बाद में एक जयपुर आता है, एक अलवर आता है, तुम्हारे पास में नीमका थाना भी इसी में आएगा, कोटली कोटपुतली भी तुम्हारे पास यहीं पर आएगी दोस्तों, खेरतल भी तुम्हारे पास यहीं पर आएगा, डिग भी यहीं आएगा, भरतपुर भी यही आएगा, और तुम्हारे पास में इसके अलावा बात करें तो धौलपुर जिला भी यहीं आएगा। ये जिले भी आपको विशेष रूप से ध्यान दे लेना ना, ये जिले भी तुमको विशेष रूप से ध्यान दे लेना है। यहां पर क्या होगा, कोटपुतली, जयपुर कोटपुतली के बाद में अलवर आएगा, फिर आपके खेरतल आएगा ना, खेरतल तिजारा वाला क्षेत्र आएगा, इधर है ना करौली भी आएगी, इधर सवाई माधोपुर भी आएगा तुम्हारे पास, इधर दोस्ता भी आएगा दोस्तों, इधर टोंक भी आएगा, और इसके अलावा बूंदी भी आएगी। ये मैं बूंदी नाम पूरा लिखता हूं क्योंकि बूंदी इसमें नहीं आएगी, कोपेन के अनुसार बूंदी CWG में आएगी। इसमें दोस्तों अजमेर भी आएगा, इसमें दोस्तों राजसमंद भी आएगा, इसमें भीलवाड़ा भी आएगा, थोड़ा सा बाघ चित्तौड़ का भी आएगा, अपना उदयपुर भी आएगा। ये सब के सब जिले किसमें आएंगे, इसी में दोस्तों बात करें तो उदयपुर में ये सलूमबर भी इसी में आएगा, CWG में सलूमबर भी आएगा। तो फिर इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया दोस्तों एक तो आपके पास कोटा, कौन सा कोटा जिला, एक रह गया बारा जिला, एक रह गया झालावाड़ जिला, एक रह गया बांसवाड़ा जिला, एक रह गया डूंगरपुर जिला, एक रह गया थोड़ा भाग प्रतापगढ़ का, एक रह गया आपके पास में यहाँ सिरोही में, सिरोही में क्या है माउंट आपू है। ये लो जी पूरा नाम लिखू, देखो मेरे दोस्तों माउंट आपू, तो ये जो नाम लिख रखे है ना ये आएगी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु मतलब AW में आने वाले जिले, तो ये अपने राजस्थान के वो जिले जो इस जलवायु में शामिल होने वाले। और क्या है, और क्या है, अभी देखो उन्हीं की तो बात बता रहा हूं आपको, और क्या बचा है ना, जो बचा हुआ है ना दोस्तों उसी की तो हम बात कर रहे हैं। आप टेंशन मत लो, बस टेंशन फ्री रहो आप, तो मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों और क्या है ना, और क्या है उसको लेकर हमारी बात हो रही है, और अभी देखो आपको भी पता चल जाएगा और क्या है। अब मैं ये बता रहा हूं दोस्तों कि ये है ना, ये आपके पास में ध्यान देना कौन सा BWHW राजस्थान का सबसे बड़ा है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का क्या है,
राजस्थान का बड़ा जलवायु प्रदेश, राजस्थान का क्या है दोस्तों, बड़ा जलवायु प्रदेश है, ये लो जी बड़ा जलवायु प्रदेश है, ठीक है, ये जलवायु प्रदेश है, बड़ा जलवायु प्रदेश है, ठीक है। देखो ये है ना, ये आपके पास में ध्यान देगा, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला जलवायु प्रदेश है, राजस्थान में क्या पूछा है, सर्वाधिक जिलों वाला जलवायु प्रदेश है, ये भी लो जी आपके पास में सर्वाधिक जिलों वाला जलवायु प्रदेश है, ये भी तुमको देखो संख्या में काउंट कर लेना, सर्वाधिक जिलों वाला जलवायु प्रदेश है ना, ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी आपके पास क्लियर होने वाला है, ये है ना, ये देखो ए डब्ल्यू वाला, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जलवायु प्रदेश है, क्या है, सर्वाधिक नदियों वाला जलवायु प्रदेश है, ये भी तुमको ध्यान देना, सर्वाधिक नदियों वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है, ए डब्ल्यू है, नदियों वाला जलवायु प्रदेश है, ये भी तुमको ध्यान देना वाला जलवायु प्रदेश है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इस मैप को मैं कर लेता हूं छोटा, ये लो मेरे दोस्तों छोटा किया, प्यारा लगा राजस्थान, आप देखो प्यारा प्यारा राजस्थान और क्या कहने वाला है हमें, अभी तो है बात ही तो अब आएगी ओरिजिनल वास्तविकता में, देखो ये है ना आपके पास में बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, इसमें क्या याद रखना है, इसमें एक तो लाठी सीरीज है तुम्हारे पास में, क्या है मेरे दोस्तों, एक तो लाठी सीरीज है, ये विशेषता याद रखनी है, एक तो लाठी सीरीज क्षेत्र है, भूगर्भीय जल पट्टी जिसे हम कहते, और क्या है यहां पर दोस्तों, सेम गांव है, सम गांव है, कौन सा गांव है, सम गांव है, सम गांव, पूर्जी ये क्यों याद करवा रही हो, ये है ना वनस्पति रहित गांव है, यहां पर वनस्पति नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान देना, ये न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, क्या है यहां पर, राजस्थान की न्यूनतम वर्षा है, इसलिए याद करवा रहा हूं दोस्तों, यहां पर राष्ट्रीय मरु उद्यान है, क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये लो ये क्यों याद करवाया गुरुजी, ये राजस्थान का क्षेत्रफल का बड़ा अभ्यारण्य, राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल का बड़ा अभ्यारण्य है ना, इसलिए याद करवा रहा हूं, क्षेत्रफल का बड़ा अभ्यारण्य है मेरे दोस्तों, इसलिए याद करवा रहा हूं, बड़ा अभ्यारण्य है, इसलिए मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या है गुरुजी, इसमें देखो, इसमें है ना, ये तो तुम्हारे पास में कौन सा बी एस एच डब्ल्यू, ये तो है ना इस रेड कलर से लिखा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में, अब बी एस एच डब्ल्यू में, बी एस एच डब्ल्यू में क्या है, एक तो तुम्हारे पास दोस्तों सेम की समस्या, किसकी समस्या आ गई, ये लो जी सेम की समस्या आ गई, और क्या आया इसमें, इसमें आया मेरे दोस्तों एक तुम्हारे पास में शेखावाटी प्रदेश, कौन सा प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, और देखो जी और क्या इसमें है दोस्तों, नागौरी उच्च भूमि, ये लो जी नागौरी उच्च भूमि भी इसी में आ गई, उच्च भूमि आ गई, और क्या आया इसी में है ना दोस्तों, इसमें आ गया गोडवाड़ प्रदेश, ये लो जी गोडवाड़ प्रदेश भी आ गया, गोडवाड़ प्रदेश, ये लो यार लूणी नदी बेसिन इसी में आ गई, लूणी नदी बेसिन भी दोस्तों इसी में आ गई, ये भी आपको ध्यान दे लेना है, ये दो का तो काम हो गया क्लियर, अब दो और बचे मेरे दोस्तों, दो और बचे केवल दो, देखो एक तो ये है, एक तो ये है, इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे पास में मेवात, मेवात प्रदेश है ना, इसमें अलवर भरतपुर का, डांग प्रदेश है ना तुम्हारे पास में, धौलपुर करौली का, ये लो जी डांग प्रदेश आया, और क्या है यहाँ मेवात है, डांग है, यहां पर यदि हम बात करें बनास नदी बेसिन है, कौन सी नदी, बनास नदी, ध्यान देना बनास नदी बेसिन है, और क्या है सर इसमें, इसमें है ना दोस्तों बात करें बाण गंगा नदी बेसिन भी है, कौन सी, बाण गंगा नदी बेसिन भी इसी में आएगी, बिल्कुल आएगी मेरे दोस्तों, इसमें तुम्हारे पास में रणथंभौर अभ्यारण्य आएगा, ये लो जी प्रसिद्ध है ना, इसलिए याद रखो, इसमें केवला देव भी आएगा, ये भी प्रसिद्ध है, केवला देव भी क्या है मेरे दोस्त, प्रसिद्ध है, इसमें सरिस्का भी आएगा, ये भी तुमको याद रखना है, सरिस्का, तो ये अभ्यारण्य भी इसी में आएगी, तो फिर रही बात तुम्हारे पास में इसको लेकर, आप कहोगे कि सर फिर ये तो बता दो लास्ट वाला क्या बचा है, ये ए डब्ल्यू है ना, ए डब्ल्यू में एक तो हाड़ौती प्रदेश आ रहा है, हाड़ौती में आपके पास बूंदी नहीं आएगा, बूंदी नहीं आएगा, हाड़ौती आएगा, एक दक्कन का पठार इसी में आएगा दोस्तों, ये लो दक्कन पठार भी इसी में आ रहा है तुम्हारे पास में, और बात करें ना दोस्तों विंध्य कंगार भूमि भी इसी में आ रही है, विंध्य कंगार भूमि, विंध्य कंगार भूमि भी इसी में आने वाली है, और बात करें ना दोस्तों तो अपने पास में मुकुंद्रा हिल्स भी इसी में आएगा, मुकुंद्रा हिल्स, ये लो जी
मुकुंद्रा हिल्स भी इसी में आएगा, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो दरा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसमें दोस्तों तुम्हारे पास में कांटड़ प्रदेश प्रतापगढ़ वाला आएगा, इसमें वागड़ प्रदेश आएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा का, इसमें 56 का मैदान आएगा, ये लो जी 56 का मैदान भी आएगा, तो ये लो जी 56 का मैदान भी आया। तो मेरे दोस्तों ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को लेकर बात हुई है, और दोस्तों सभी को रिवीजन करना, कोई भी आपकी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सभी दोस्तों को सूचित करना है कि सर ये समस्या हमारी रही है। और यदि दोस्तों इसकी नेक्स्ट बात करें ना, लास्ट पॉइंट को लेकर, अंतिम पॉइंट को लेकर जो अति महत्वपूर्ण माना गया है, ये है ना BWHW, इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा, प्रतिनिधि कौन करेगा? तुम कहोगे कि सर प्रतिनिधि बीकानेर करेगा, बिल्कुल मेरे लाडलो अच्छा सोचा। इधर देखो BSHW का प्रतिनिधि जिला कौन करेगा भाई? प्रतिनिधि नागौर करेगा, प्रतिनिधि कौन करेगा? नागौर करेगा मेरे दोस्त। और तुम कहोगे सर इसका प्रतिनिधि कौन करेगा? टोंक करेगा। कौन करेगा इसका प्रतिनिधि? किसका? CWG का। कौन कर रहा है? टोंक कर रहा है मेरे दोस्त। और AW का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? AW का प्रतिनिधि तो बांसवाड़ा करेगा ना। कौन करेगा मेरे दोस्त? बांसवाड़ा करने वाला है। ये लो जी इसका प्रतिनिधि भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज हमने बात की है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेकर, इससे पहले बात हुई थी हमारे थोरनवेट के जलवायु वर्गीकरण को लेकर। ये क्लास सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छे लेवल में समझ में आई होगी। इस क्लास को सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है। सभी दोस्तों को मेरे दिल से थैंक यू, धन्यवाद।